हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम फिर से आ गए हैं फ्री फायर यूट्यूबर के न्यूज़ वीडियो को लेके। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे सेट कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अभी बढ़ते आज के पहले न्यूज के तरफ। तो आज का पहला न्यूज है टीएजी ऋतिक और टीएजी लेजेंड के तरफ से। तो टीएजी ऋतिक जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उस टाइम पे वो अपने डिस्कॉर्ड को ओपन किया था, जिसके बाद उन्होंने टीएजी लेजेंड का प्रोफाइल ऑन किया और टीएजी लेजेंड का प्रोफाइल ऑन करते ही उनके साथ उनकी इस फोटो में कोई दिखी। वैसे ये पूरा सीन होने के बाद टीएजी लेजेंड ने इसके ऊपर आके रिप्लाई दिया, तो आप लोग सुन लीजिए कि ये पूरा सीन क्या था। पैरेलल पे वो लेजेंड के साथ कौन है? पैरेलल पे वो लेजेंड के साथ कौन है? रुको दिखा दो कौन है। ओए पैरेलल पे अपन दो ही क्या कर रहे लेजेंड? ओ शिट शिट हो गया लेजेंड, शिट। क्या क्या मेरी स्ट्रीम मत देखना, तू गाली डाल देगा मेरे को। देखी नहीं? देखी अभी तक, 40 सेकंड्स बाद आएगा वो। चालू ये सब में नॉट गोना लाए। तो इग्नोर कर वो स्ट्रीम को थोड़ा। अबे तू मेरे को शॉक शॉक होने क्यों बोल रहा है? तो मैं पहले नहीं जॉइन होता हूं क्या? मेरे मेरे लाइव पे ओपन करके दिखा देता है पूरा। वाह भाई, तो मैं दो एक 10 सेकंड के लिए भी रह गया तो दिख तो जाता ही है ना। छोड़ अभी वो छोड़, मैंने वैसे पूरा ज़ूम करके दिखा दिया था इसलिए मैं बोल रहा था। ये छोड़, तू ये बता, मैं तेरे को कुछ कुछ जगह के नाम बताऊंगा, तू मेरे को बता। कल लाइव आऊंगा मैं, कल आपको सीटीए के स्टेट से, ठीक है? सीटीए के स्टेट से तू ये बता मेरे को। ठीक है ठीक है। अरे ये बंदे ने ना अभी पूरा ओपन करके रखा है निबे ने गूगल पे, ये इतनी देर से टाइप कर रहा है। मेरे को समझ गया, शॉर्ट शॉर्ट समझ गया, कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं, कमेंट नहीं पढ़ रहा है भाई। तू तुझे पता नहीं चल रहा था क्या सिटी होगा क्या स्टेट होगा, तू तो गूगल खोल के बैठा है। ठीक, तो आप लोगों ने सुन लिया कि टीएजी लेजेंड अपने लाइव स्ट्रीम पे इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके वजह से हम लोग उनका ये फोटो अभी रिवील नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बिंजेट गेमिंग के बारे में। तो बिंजेट गेमिंग ने अपने लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऐसा बात डिस्कस किया जो कि आमतौर पर नॉर्मल बात नहीं है। दरअसल बिंजेट गेमिंग ने आजकल के लड़कियों के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि आजकल काफी लड़कियां ज्यादा ही ओपन हो गए हैं और कुछ लड़कियां तो ऐसे हैं जो हद ही पार कर देते हैं, और इनमें से ही एक केस बिंजेट गेमिंग के साथ भी हुआ। दरअसल एक लड़की बिंजेट गेमिंग को मैसेज करती है और वो बिंजेट गेमिंग को ये बोलती है कि क्या वो उनके साथ फिजिकल होंगे। तो बिना जान पहचान के ऐसा बात बोलने के वजह से बिंजेट गेमिंग भी ऑकवर्ड हो गए, और इसके ऊपर ही बिंजेट गेमिंग ने अभी अपने लाइव पे क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। मैं तुमको अपना, काश मैं तुमको दिखा पाता चैट कि एक लड़की आती थी स्ट्रीम में बहुत पहले, वो मेरे को मैसेज करती है। पता क्या मैसेज किया? जेन्युइनली मेरा दिल टूटा। मैं तुम सबके साथ ये सब शेयर नहीं करता। उसने बोला है, उसने अपना नंबर दिया, फिर उसके बाद बोला कॉल मी, उसके बाद बोला व्हाट्सएप पे मैसेज करो, फिर बोला एक्स करोगे, मूड है मेरा ऐसा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो यार शर्म करो ना यार, मैं ऐसी बातें आज तक नहीं बोल पाया हूँ किसी को। तुम लोग कितना गिर सकते हो यार, हाँ कितना गिर सकते हो ब्रो। मतलब एक लड़की लड़के को इस तरीके से अप्रोच करती है कि, समझ रहे हो, इसका एक्स का तो मीनिंग तुमको पता ही होगा क्या होता है, बट अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ा ना मतलब तहजीब में रहो। मैं लड़का होकर जब ऐसी बातें नहीं करता, तुम लड़कियां होकर ऐसी बातें करते हो। फिर मैं किसी दिन डाल दिया ना स्टोरी टोरी, फिर तुम खुद देख लोगे भाई क्या होता है। मानता हूँ मैं एक टाइम पे फ्लर्ट था, बट दैट वाज लॉन्ग अगो यार, इट हैज बीन लाइक 10 साल हो गए तब से, कसम से यार। तो आप लोगों ने सुन लिया कि बिंजेट गेमिंग ने इसमें क्या कहा। वैसे आप लोगों का इस मामले के ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो आपको पता है कि अभी इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और 5 अक्टूबर से इसका मैच भी शुरू हो गया है। तो इन सब के बारे में जब अनग्रेजुएट गेमर को उनके लाइव पे पूछा गया तो उसके ऊपर अनग्रेजुएट गेमर ने ये कहा कि किसी ज्योतिषी ने ये कहा है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगा। वैसे ये ज्योतिषी कौन है इसके बारे में तो हमें पता नहीं चला, पर इसके ऊपर ही अनग्रेजुएट गेमर ने क्या कुछ कहा था आप लोग खुद सुन लीजिए। वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अरे इंडिया जीतेगी यार वर्ल्ड कप यार। नहीं लगा ले तुम, एक महान प्रेडिक्शन करने वाले उसने, जिसने कहा 2011 का वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप और 19 का वर्ल्ड कप का विनर पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, उसने इस बार इंडिया को प्रेडिक्ट किया है भाई। मेरा, चलो मेरा मेरा फेवरेट है इस बार इंडिया, और दूसरा फेवरेट है मेरा इस बार न्यूजीलैंड भाई। अरे भाई न्यूजीलैंड जो खेल के स्टार्ट किया, बाप रे भाई, तो न्यूजीलैंड लगता है भाई जीत जाएगा भाई, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ तगड़ा है भाई उसका इस बार। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन कौन से टीम जा सकता है कमेंट करके जरूर बताना। और वर्ल्ड ऑफ बैटल चैनल पे जब टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीम चल रहा था तो उस टाइम पे रोकी भाई और इग्नाइट ने टीम माफिया के फौजी अजय के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि फौजी अजय ना होने से उनके टीम के परफॉर्मेंस काफी डाउन होता है, यानी कि फौजी अजय उनके टीम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और ये सब बात रोकी भाई और इग्नाइट तब बोल रहे थे जब फौजी अजय उनके टीम से खेल नहीं रहे थे। तो इन सब के ऊपर ही रोकी भाई और इग्नाइट ने क्या कुछ कहा था सुन लीजिए।
विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को चाहे अच्छा लगे या बुरा, बट आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिना फौजी अजय के ये वाला चीज तो बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि माफियाज का परफॉर्मेंस जो है किल्स निकालने में भी कम हो गया है। बिल्कुल किल्स निकालने में भी कम हो गया है, और मैं जितना गौर किया हूँ जो फौजी वे करके देते थे, जैसे जोन के सेंटर पे खिलवा देना, मतलब कहीं भी टीम जा रही हो फिर भी उनको जोन में पहुंचा देते थे, तो वो सीन मेरे को काफी मिस दिख रहा है अभी। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि बाला भाई नहीं कर पा रहे, बट हाँ थोड़ा बहुत जो कहते ना मसाला वो कम पड़ लग रहा है मेरे को। बाकी पोटेंशियल में किसी की कोई कमी नहीं है, सबको सब पता है कि पोटेंशियल टीम का बहुत तगड़ा है, प्लेयर्स का बहुत तगड़ा है इंडिविजुअली, बट यार फौजी भाई के आने से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट मेरे को नहीं दिख रहा है काफी टाइम से। और FF स्पोर्ट्स ने अपने इंस्टा पे ये सब पोस्ट शेयर करते हुए ये लिखा कि वासियो और गोल्डन बस ऐसे खिलाड़ी है जो 3 बार FFIC ओपन क्वालिफायर खेल चुके हैं और 2 बार FFIC चैंपियन भी बन चुके हैं। वैसे ये दोनों ही एक साथ टोटल गेमिंग और गैलेक्सी रेसर के टीम से होके FFIC जीत चुके हैं। तो गाइस ये था आज का कुछ न्यूज और अपडेट। तो आपको अगर ऐसे रेगुलर न्यूज वीडियो देखना है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अभी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।